Jesse Hoffman. कह रहा था बिंदास नच की टीम का हर बंदा, कुछ यही गुनगुना रहे थे शांतनु और उसकी पूरी की पूरी टीम, जिस टीम ने इतने मुल्कों के बीच अपने मुल्क का नाम रोशन किया। सारी दुनिया के बीच देश के तिरंगे को सबसे ऊंचा लहराया, ये पल इन सब की जिंदगी का एक ऐसा पल था जिसके बारे में इन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, और ये पल आखिरकार इन सब की जिंदगी में आ ही गया जब जीत ने सामने से इन सब के कदम चूम लिए। तैयारियां तो मुंबई से ही शुरू हो गई थी, वो भी काफी लंबे समय पहले से, जिसके लिए इन सभी ने खून पसीना एक कर दिया था, और इसी मेहनत का तो ये नतीजा था कि इंडिया की इस देसी हॉपर्स की टीम को वर्ल्ड ऑफ डांस का बुलावा आ गया। तो चलिए फिर ले चलते हैं आप सभी को फ्लैशबैक में, पहुंचाते हैं सीधे लॉस एंजलिस और दिखाते हैं इन सब की जीत की तैयारी। दिखाते हैं आपको वर्ल्ड ऑफ डांस के फिनाले का नजारा, यानी डी डे का नजारा, जहां फिनाले में पहुंचे थी 35 कंट्रीज जो जमकर अपने अपने परफॉर्मेंसेस की तैयारियों में लगी थी। इन्हें छोटी छोटी टोलियां बनाकर एक एक कोना पकड़ लिया था और सब लगे थे रिहर्सल्स में। भाई वाकई इन सब की एक्साइटमेंट के तो क्या कहने थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड या यूं कह लीजिए सबसे ज्यादा जोश था देसी हॉपर्स में। इन सब को देना था सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट। ये सब भी अपनी जोरदार तैयारियों में लगे ही हुए थे कि हम पहुँचे बैक स्टेज और कि इन सभी से ढेर सारी बातें। सास बहू और साजिश आ चुका है वर्ल्ड ऑफ डांस के स्टेज के पास, और देखिए पीछे बहुत बड़ा सरप्राइज है, हमारी इंडिया की टीम है यहाँ पे। लेके चलते हैं पर्दे के पीछे, देखते हैं पर्दे के पीछे की एक्साइटमेंट क्या है। बल्कि हाँ जी, कितने एक्साइटेड है और कितने नर्वस है? मैं बहुत नर्वस हूँ, आपको इनसे पूछा थी, प्लीज आ जाइए। फीलिंग इज ग्रेट यार, बहुत मजा आ रहा है अभी, स्टेज में जाने वाले और इंडियन भांगड़ा बज रहा था यार अभी। सो यस, मतलब वही अच्छी चीज है कि इंडियन भांगड़ा बजे तो हमारी थोड़ी बहुत ही वार्म अप सब लोगों का तो नहीं देखा हम लोगों ने, हम लोग कुछ कुछ लोगों का देखा था, कल आए थे हम लोग एक्चुअली स्टेज देखने, सो वी डिड सी दैट, बट अदरवाइज हमें पता है हम क्या करने वाले, तो वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग मच ऑन व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। किसी भी कॉम्पिटिशन में ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने दुश्मन की जो है कमजोरियों को जान ले। वो हमने स्टडी की थी क्योंकि आपको हमें उनके मतलब जितना तो है तो वैसे स्टडी करना ही पड़ेगा। नहीं तो डांस मेरे लिए फन है और मुझे मजा आता है, इसलिए मैं डांस करता हूँ। डांस मेरे लिए खुशी है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है मेरे लिए। डांस हैज काइंड ऑफ बिकम माय लाइफ बिकॉज उसी की वजह से हम लोग सब कनेक्ट हुए हैं। मैं इससे कनेक्ट हुआ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऑडियंस से कनेक्ट हुआ, हम सब ऑडियंस से कनेक्ट हुए, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डांस। सो यस, डांस हैज़ बिकम पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड इट्स कम्युनिकेशन, या फिर मुझे दिमाग नहीं चल रहा है क्योंकि मेरा दिमाग अभी उसमें चल रहा है। नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। इन सब की तैयारियों का तो कोई जवाब नहीं था, और अब धीरे धीरे वो घड़ी सामने ही आ रही थी
जब ये सब वर्ल्ड ऑफ डांस के बड़े से स्टेज में परफॉर्म करने वाले थे, सबके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। इस पल को ये सभी पूरी पूरी तरह जी लेना चाहते थे। वक्त आ गया था इनके फाइनल परफॉर्मेंस का, जो आखिरकार जब आया तो सभी के होश उड़ गए। फिनाले के इस परफॉर्मेंस के बाद सभी की आंखें नम हो गई थी। फिर वो चाहे पल की हो, मैं से हो या हो कोई और, अपने इस ग्रैंड परफॉर्मेंस के पल को ये सभी यूं ही कैद कर लेना चाहते थे। रात इन सब के इतिहास के पन्नों में रच चुकी थी। सात समुंदर पार एलए पहुंचकर इतने बड़े स्टेज में परफॉर्म करना, ये इन सब के लिए एक सपना ही तो था। और अब इंतजार था तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स का। पहला स्टेप लिया स्टेज पे, तो क्या क्या फील? मुझे क्लासेस आ रहे थे 50 चीजों के, हर चीज का, मतलब कैसे ये शो शुरू हुआ, कितने झगड़े हमने बिदनाथ के साथ किए, कितने झगड़े हमारे सब लोगों के साथ हुए, सारी चीजें, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग। इंडिया के लिए इतना चेयर मिला, मतलब ये क्या रहा, दिल जो धड़क रहा था ना वो सीधा नॉर्मल जगह पे आ गया। मेरे को सबसे पहला स्टेप जो करना है वो थोड़ा सा मेरे डाइसी स्टेप है, हमारा कोऑर्डिनेशन का स्टेप है वो। जब तू चढ़ा ना लिटरली वो मुझे प्रेशर है हल्का सा, और मुझे लगा यार नहीं पकड़ ले, सीधा उठाया मैंने। और जब वो उसका जब जो हमने किया है एक चीज उसके बाद जब हुआ वो, तो अब हो गया, अब हो गया, अब कुछ भी हो जाए मतलब वी हैव टू किल इट। ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ पे लगा कि जब एक स्टेप था स्टेप उठना, हाँ उठना ही था, पर जब वो स्टेप हुआ तब ऐसे था कि भाई खत्म है, मतलब अब तो पढ़ने एकदम। स्टेप से पहले वो गाना इसलिए डाला गया था कि हमारा था कि बॉलीवुड आना है बॉस, और बॉलीवुड में ये गाना हमें पर्सनली हम सबको बहुत पसंद था, एंड हमको था कि चलो सलमान के गाना यूज करते। तो वहाँ से थॉट आया, और जैसे ही वो गाना आया आई थिंक इन सबका थॉट था कि व्हाई नॉट पुटिंग द सेम स्टेप। इस ग्रैंड से स्टेज का माहौल देखने लायक था। सारी की सारी टीम्स सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को याद कर रही थी। फिर धीरे धीरे शुरू हुआ अवार्ड्स का सिलसिला, अलग अलग देशों को मिले अलग अलग अवार्ड, और फिर आखिरकार सबकी सांसें थम गई, सबकी धड़कनें रुक गई, क्योंकि बारी आई इस रात के सबसे बड़े अवार्ड की, वर्ल्ड ऑफ डांस की सबसे बड़ी ट्रॉफी की, जिसका फाइनली अनाउंसमेंट हो ही गया। Yes, you all heard it right. भारत जीत चुका था, देसी हॉपर्स की जीत हो चुकी थी। इतने लोगों के बीच उनका नाम जोर जोर से लिया जा रहा था, जहाँ भी देखो उनकी वाहवाही हो रही थी। इन सब के कानों में सिर्फ और सिर्फ तालियों की गूंज गूंज रही थी, क्योंकि ये सब बन चुके थे विनर्स दुनिया के सबसे बड़े डांस कॉम्पिटिशन के। देश में तो इन्होंने बहुत ही हमारे को प्राउड किया है, आज देखिए आज विदेश में भी झंडे गाड़ दिए हैं इन्होंने। आइए मिलते हैं पूरी टीम से, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस, यस। अच्छा, विनिंग स्पीच।
विनिंग स्पीच कुछ नहीं है भाई, फटके हाथ में आई हुई थी, मैंने प्रिपेयर नहीं की थी ये सब चीज़ें. सो डिडंट एक्सपेक्ट बट वेरी हैप्पी विद द वे एवरीथिंग हैपेंड. सबको अच्छा लगा तो हम लोग उसी में जीत गए थे एक्चुअली. हम लोग उसी में रिस्पेक्ट गेन करने आए थे, इंडिया का छाप छोड़ने आए थे. सो हमने कर लिया एंड अभी तक सिंक इन हुआ नहीं एक्चुअली. सो आई डोंट नो, आई मीन एनीवन एल्स वांट्स टू से द समथिंग? नहीं नहीं अभी वही सही है एक्चुअली. हम लोग, मैं बहुत अजीब लगता है क्योंकि हम लोग दोनों जब उसने बोला कि यू नो 96.3 से जीते, तो हम लोग दोनों ऐसे बात कर रहे थे यार बहुत बड़ा मान जीता जो भी जीते, पर हम लोग का नाम ले हम दोनों ऐसे ऐसे ही थे. और फिर बाद में जो एक्साइटमेंट हुई और अभी अभी तक सिंक इन नहीं हो रहा है कि हम लोग जीते. ये मैं बोलना चाहूँगा सबसे जो भी इंडिया में यू नो इंस्पायर हो रहे यहाँ के डांसर्स से, और हमने अब हमारा स्टाइल किया और ये देख ही सकते हैं हम लोग ने क्या पाया है. जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम. हमारे इंडिया के हर एक डांसर्स, गली से लेके, अच्छे से लेके, बुरे से लेके, जितने भी डांसर्स के पागल रह गए ना, उन लोग के लिए डेलीगेट करना चाहते हैं हम लोग. बट जो जो नींद अभी मिलेगी ना कि हाँ भाई अब जीत गए हैं. इनके लिए जो चार जजेस थे उन लोगों ने, हाँ पांच जजेस थे, उन्होंने इनके लिए कुछ पॉइंट्स जब वो लिख रहे थे तो आप इनको इनके साथ शेयर करना चाहेंगे? सो देयर इज मैट स्टेफेनिया, सॉरी आई डोंट नो, हाँ चलेगा. रूटीन में उन्होंने आपको 40 में से 37 दिए हैं, एग्जीक्यूशन में 35 में से 33 दिए हैं, प्रेजेंटेशन में 20/20 दिए हैं, और क्राउड अपील 5/5. सो 95/100 बेसिकली. अगर मैं सबको बोलूं फटाफट में बोलूं तो हर किसी ने मोस्टली 95/100, 85.5/100, 99/100, 99/100, एंड ये आई थिंक मैं दिखाना चाहूंगी. ये देखिए एक जज ने लिखा है, आई एम सच अ फैन. हर जज ने कॉस्ट्यूम के लिए 20/20 दिया, सो इट्स अ फुल मार्क फॉर कॉस्ट्यूम. आप बोल टचवुड. मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है एंड थैंक यू बॉयज फॉर डूइंग जस्टिस टू द कॉस्ट्यूम. एक मोमेंट था जहाँ पे बहुत बहुत फिल्मी मोमेंट लगेगा और पता नहीं वो कैप्चर हुआ है कि नहीं, बट हम लोग आफ्टर परफॉर्मेंस बिफोर द रिजल्ट हम लोग हमारे हमें सीट अलॉट की गई थी कि कहाँ पे बैठना है जाके, तो हम दूसरे परफॉर्मेंसेस देखने के लिए बैठ रहे थे और उस जब रो से पास किए हम लोग तो आगे पीछे पीछे सब तालियां बजा रहे थे. यू गाइज आर अमेजिंग एंड इट वॉज दिस इज बिफोर द रिजल्ट और Yes. Hats on to the celebration of dance. जिस चीज को दिल से चाहो वो पूरी होकर ही रहती है. इन सब ने तो डांस से दिल और दोस्ती दोनों का रिश्ता बहुत पहले जोड़ लिया था. जीत को तो इन सब के कदम चूमने ही थे और इसीलिए तो इन इंडिया वालों ने देश का नाम रोशन कर दिया और इन पलों को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया. लॉस एंजलिस से विभा कॉल भट्ट के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट.